टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सर कौन से विभाग के हो आप लोग? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के हम लोग सारे कर्मचारी हैं। जी, आज कौन सी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हो? हमारे जो है राष्ट्रीयकृत मार्गों को निजीकरण को दिया जा रहा है, उसमें परमिट इशू किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग कमिश्नर गए थे, वहाँ कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने गए थे, वहाँ से ज्ञापन दे करके आ रहे हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अभी तो चूंकि उनके पास कुछ है नहीं, सीधे उन्होंने कहा ज्ञापन हम वहाँ सरकार को पहुँचा देंगे। चूँकि मांग सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसमें निर्णय लेना है, इसलिए उन्हीं को ज्ञापन दिया गया है। कौन सी मांगे हैं आपकी मुख्य? हमारे जो मार्ग हैं उनका जो है निजीकरण किया जा रहा है, उसमें परमिट दिए जा रहे हैं, उसमें गोरखपुर से लेकर के नोएडा तक परमिट दिया जा रहा है, जबकि हम लोग सरकार को 700 करोड़ रुपए का राजस्व देते हैं, केवल 7% मार्गों पर हम चलते हैं और 700 करोड़ देते हैं। प्राइवेट वाले 93% मार्गों पर चल करके केवल 232 करोड़ रुपए देते हैं, और हम इसके बाद भी हमारा जो सरकार हमारा जो नहीं सुन रही है सरकार, पता नहीं कौन सा। हम कोरोना काल में पूरे जो मेहनत के साथ परिश्रम के साथ भूखे प्यासे रह करके अपने सरकार का सहयोग किया, प्रवासी मजदूरों को हमने घरों घरों तक पहुंचाया, लेकिन सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है? हम उनके जब बात होती है तो कहते हैं हमारे संकट के साथी हैं, लेकिन जब देने की बात आती है, हमारे जब 15 साल हो गया आज तक जो है केवल 7% मार्ग पर राष्ट्रीयकरण किया गया है, और आश्वासन दिया गया था कि हम लोग 20% से ज़्यादा राष्ट्रीयकृत मार्ग करेंगे, 206 मार्गों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। सारी मांगे हमारी कोई नहीं सुनी जा रही, सीधे सीधे अभी नए उन्होंने जो राष्ट्रीय सीधे सीधे जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि गोरखपुर से नोएडा मार्ग को हम प्राइवेट में देंगे, वहाँ पर जो है प्राइवेट बसों को परमिट देंगे। ऐसी स्थितियों में कर्मचारी हमारा आंदोलित है, अभी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना गया, तो ठीक से ठीक हम लोग पूरे प्रदेश का चक्का जाम कर देंगे, और इतना ही नहीं, फिर भी अगर नहीं सुना तो जिस तरीके से हमने पूरी एकजुटता के साथ पूरी ताकत के साथ 3/4 बहुमत का सरकार को हमने बैठाला है, उसी तरीके से हम सारे कर्मचारी मिल करके ये 60 करोड़ कर्मचारी इसको उतारने का भी काम करेगा, ये आपको हमें आपको आश्वासन देंगे।